दोस्तों कल मैं रात को सोने जा रहा था, इनफैक्ट मैं लेट गया था, तो अब्बू आवाज़ दिए मेहताब। तो फिर मैं गया तो उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा कि क्या गूगल हैक हो सकता है। फिर मैं शॉक्ड हो गया कि अरे अचानक से मतलब ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने पूछा कि अचानक से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि बेगूसराय का एक लड़का है जो कि सिर्फ 19 साल का है, बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है, उसने गूगल को हैक कर दिया है, जिसकी वजह से गूगल की जो टीम है उस लड़के को 3.6 करोड़ का पैकेज दिया है और उसके पास पासपोर्ट नहीं था। तो गूगल की टीम ने हमारे गवर्नमेंट से बात करके रातों रात 2 घंटे में पासपोर्ट बनवा दिया और प्राइवेट जेट से अमेरिका ले गया। मैं कंफ्यूज हो गया कि इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। एक्चुअली मैं एक टॉपिक पे काम कर रहा था, काफ़ी डीप रिसर्च कर रहा था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखें इस वीडियो को। खैर हम मुद्दे की बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो इसका पता लगाने के लिए मैंने रिसर्च की है और मैंने देखा कि गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स फेक हैं, झूठे हैं। सबसे पहली बात कि ये जो मामला सामने आ रहा है कि इस लड़के ने, जो कि बेगूसराय के रहने वाले हैं, बीटेक सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, और इसने गूगल को हैक कर दिया है, ये जो न्यूज़ है ये प्रॉपर वे में सही तरीके से लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, सही नहीं बता रहे हैं, ज़्यादातर न्यूज़ फेक है। इन्होंने गूगल को हैक नहीं किया है, इन्होंने लूप होल्स निकाले हैं, बग बताए हैं कि भाई आपके सिक्योरिटी सिस्टम यानी गूगल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें एक बग है, बग यानी कमियां, आप यूँ कह लें तो खामियां, कि भाई आपका ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसमें ये बग है जिसकी वजह से हैकर्स जो है आराम से घुस के सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, मतलब जो भी ब्लैक हैट। देखिए हैकर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक वाइट हैट हैकर जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं जिसे हम एथिकल हैकर कहते हैं, और सेकंड जो है वो ब्लैक हैट हैकर जो बिना किसी परमिशन के किसी के भी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं, किसी के भी कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, नेटवर्क को हैक कर लेते हैं, और थर्ड जो है वो है ग्रे हैट हैकर, उसके मन में जब आता है तो अच्छा काम करता है नहीं तो बुरा काम करता है। तो बेगूसराय के रहने वाले एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ऋतुराज का कहना है कि गूगल में एक बग है यानी कमी है, और उसी कमी को मैंने गूगल को इन्फॉर्म किया है। इन्होंने मेल के जरिए इन्फॉर्म किया कि भाई आपके सिक्योरिटी सिस्टम में एक कमी है जिसका फायदा ब्लैक हैट हैकर उठा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि गूगल ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन लोग इस चीज़ को पता नहीं क्या क्या हवा बना के रख दिया है कि भाई गूगल 50 सेकेंड्स के लिए फ्रीज हो गया था, गूगल को इसने हैक कर लिया है। बग ढूंढना और हैक करना जमीन आसमान का फर्क होता है। इन्होंने गूगल को हैक नहीं किया है बल्कि एक कमी बताई है कि भाई आपके सिक्योरिटी सिस्टम में एक कमी है जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए इन्होंने गूगल को मेल किया। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 3.36 करोड़ का पैकेज मिला है, प्राइवेट जेट से अमेरिका गए हैं रातों रात, मतलब इनके पास पासपोर्ट भी नहीं था, 2 घंटे में पासपोर्ट बनवा दिया और प्राइवेट जेट से अमेरिका ले गए। ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है ये सब जो अननोन वेबसाइट्स होते हैं उससे निकल के आई है, जो कि फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे, इनफैक्ट कई ऐसे वेबसाइट्स का बग निकाल के बताए भी है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उधर से। लेकिन गूगल बहुत बड़ी कंपनी है तो उधर से जवाब मिला कि भाई आपने जो बग निकाला है वो हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि भाई गूगल की जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें ये कमी है, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट किया है। आपको बता दें कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे कंपनीज ना हैकर्स को बिठाते हैं कि भाई आप हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को देखो, उसको क्रैक करने की कोशिश करो, हम आपको रिवॉर्ड देंगे। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था ना कि आईफोन 13 प्रो हैक हो गया है, तो वो ऐसे ही हैक नहीं हुआ था, एप्पल कंपनी खुद हैक करवाई थी ये चेक करने के लिए कि भाई हमारी एप्पल की जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो हैक हो सकता है या नहीं। तो एप्पल कंपनी एक इवेंट रखी जहां पे पूरी दुनिया भर के हैकर्स जो टॉप लेवल के हैं वो उस इवेंट में आए और आईफोन 13 के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हैक कर लिया। और ये कंपनी की पॉलिसी होती है कि जो बंदा हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करेगा उसे हम रिवॉर्ड देंगे यानी इनाम देंगे, और उन्हें वो हायर भी कर लेते हैं। तो फिलहाल इन्हें 3.6 करोड़ का पैकेज नहीं मिला है, हाँ आगे मिल सकता है ये इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सारे जो न्यूज़ हैं कि प्राइवेट जेट से रातों रात चले गए, पासपोर्ट बन गया, ये सब फेक न्यूज़ है। लेकिन इन्होंने जो बग निकाला है उसकी क्राइटेरिया होती है कि ये कौन से स्टेज में है, जैसे P0, P1, P2, तो ये जो इनका जो स्टेज है वो P2 है, प्रायोरिटी 2। तो गूगल की जो टीम है इनके बग को क्रॉस चेकिंग करेंगे कि इसने जो बग निकाला है उसको अच्छे से एनालिसिस करेगी, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी, तब इनको रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर आप यूँ कह लें तो इनकी नौकरी गूगल में भी लग सकती है, क्योंकि इनका फील्ड जो है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा।
वैसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेथड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।